नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव सह समाज सेवी प्रमोद कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के रफीगंज विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन पर लगाए कई गंभीर आरोप और बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह द्वारा मीडिया में दिए हुए बयान का भी किया समर्थन। आगे क्या क्या कहा प्रमोद कुमार सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान विधायक माननीय निहालुद्दीन जी द्वारा अपना निजी फंड से हमारे क्षेत्र में करीब अभी 85 चापाकल दिए हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। उसी के तारतम्य में आज मैं पीसी कर रहा हूं और अपना लेटर पैड पे जिलाधीश महोदय को और पीएचडी विभाग के स्कूटी साहब को और जेई को हमने शिकायत दिया है कि हमारे यहाँ भूगर्भीय जल का दोहन के कारण जो है लेयर है बहुत पानी का नीचे चला गया है और जिसका मतलब जो चापाकल है उसका गुणवत्तापूर्ण बोरिंग होना चाहिए। एकक चापाकल में सरकार द्वारा करीब 95,000-96,000 एकक लाख रुपया का उसमें बिल बन रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। 100 फीट 120 फीट पर वो चापाकल गाड़ दे रहे हैं जो एक शोक के रूप में रह गया है हमारे क्षेत्र में। अभी जब जल संकट हुआ उस समय हम क्षेत्र में लगातार थे तो हर जगह से गरीबों द्वारा ये उठाया गया बात कि सब चापाकल सूख गया है। हमने उसके लिए धरना भी मदनपुर में दिया और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें पेयजल संकट का ही था और पदाधिकारियों से भी बात किया लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी 85 चापाकल विधायक के फंड से मिला है जिसमें कई एक जगहों पर तो पुराना चापाकल को का पेंट करके हमारे एरकी कला में ही तेलडीहा ग्राम में मैं दो दो चापाकल चिन्हित किया जो पुराने चापाकल पर पेंट करके और पैसा निकासी कर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार में पूरा डूबे हुए हैं विधायक महोदय और जिनको ठेका मिलता है उसका न तो कहीं पेपर में आता है न कहीं प्रदर्शित होता है न हम लोगों को जानकारी होता है कि और गांव में भी जहां उनको चापाकल देना है वो सार्वजनिक स्थानों पर न दे करके अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजा पर और निजी जमीन में उनके घरों में भी वो चापाकल गड़वाया जा रहा है और जो उनके निजी उपयोग के लिए है। इसी के लिए आज मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों को जगाना चाहता हूँ और उनको तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जांच हो कि कितना चापाकल का उसमें बोरिंग हो रहा है और वो चापाकल में उपयुक्त पानी है कि नहीं और जहाँ पे जो सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं का जो वोट की राजनीति को कर रहे हैं उसका बंद करें। जहाँ ज़रूरत है दलित महादलित को अधिक जरूरत है उनके घरों पे उनके दरवाजा पे सार्वजनिक जगहों पे, लेकिन जितना भी 85 मैं देखा हूँ उसमें कुछ ही जगहों में सार्वजनिक जगहों पर चापाकल चिन्हित किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं के दरवाजा पर बताया गया है लेकिन उनका निजी जमीन में उसका बोरिंग हो जाता है और वो फिर निजी उपयोग करते हैं या तो फिर उनका घर का चापाकल हो जाता है या वो उससे कृषि का कार्य करते हैं। और विधायक महोदय का दो बेटा एक मदनपुर प्रखंड में और एक रफीगंज प्रखंड में ये बैठ करके हर विभागों में इनका बंदरबांट है। उन हर विभागों में पदाधिकारियों से मिल करके कमीशन वसूला जा रहा है और क्षेत्र में उन जनता द्वारा यदि उनसे कुछ काम मांगा जाता है या अपना परेशानी को बताया जाता है तो वो बोलते हैं कि आपका विधायक मैं नहीं हूँ। ये हमारे रफीगंज के विधायक निहालुद्दीन जी का कहना है और वो बोलते हैं कि वोट हमको नहीं दिया है, आप लालू जी के वोट दिया है। तो वो तो 35% लोगों के वोट से जीत करके और विधायक बन गए हैं लेकिन 65% जो जनसंख्या है रफीगंज विधानसभा के वो सब उपेक्षित हैं और विधायक द्वारा अव्यवहारिक बात करना उसका मैं घोर निंदा करता हूं। और आप लोगों के माध्यम से ये जो सुशासन बाबू का जो सरकार है महागठबंधन की सरकार जो कहती है अपने आप को कि मैं गरीबों का हमारा जो विकास है उनके तक पहुँच रहा है तो या अब मैं ये मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि रफीगंज के विधायक निहालुद्दीन जी द्वारा जो इस तरह के भाषा का उपयोग करके जो जनता का अधिकार है कि वो आज
यहाँ का विधायक है तो सभी लोग सभी का विधायक है, जितना जनसंख्या है रफीगंज विधानसभा में सभी का वो विधायक है। लेकिन उनके द्वारा ऐसी बातों को जब भी कोई घटना होता है या कोई परेशानी होती है रफीगंज की जनता उनको फोन करती है तो वो ये साफ शब्दों में कहते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया है, आप वोट दिए हैं लालू जी को, आप आपका मैं विधायक नहीं हूं। और ये इस तरह के अव्यवहारिक बात करके और इनका जितना भी फंड है वो अभी बिहार में सबसे ज़्यादा अपने फंड को एक जाति जिस जाति से वो आते हैं कब्रिस्तान घेराव के लिए ही पैसा अपना फंड को पूरा अभी तक 3 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने दे दिया। अभी 1 वर्ष पूर्व 19 कब्रिस्तान का घेराव जो बिहार में सबसे ज़्यादा रफीगंज विधानसभा में हुआ और अभी फिर 17 का टेंडर हुआ है और ये पूरा पैसा को अपने जाति विशेष के लिए ये खर्च कर रहे हैं और सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने जात से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो अपना निजी पैसा उनके लिए लगाइए, ये जनता का पैसा है, ये रफीगंज विधानसभा के सभी का उसमें हक है आपके फंड में। तो इसका मैं आप लोग के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ और अभी तक इनका जितना फंड दिया गया है उसकी ईमानदारी पूर्वक जाँच हो और मैं नहीं तो मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। आज मैं पीसी आप लोगों के माध्यम से बता दिया कि ये सरकार इसमें जागे और इसका सही जांच कराए।